समिति के वार्षिक सम्मेलन में आज पालक मंत्री अदिति तटकरे ने कला, शिक्षा, पत्रकारिता, समाज सेवा और आरोग्य क्षेत्र के तमाम हस्तियों का सम्मान किया। पनवेल में डॉक्टर अशोक महात्रे द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में पालक मंत्री अदिति तटकरे कोरोना काल में मीडिया कर्मियों की भूमिका की प्रशंसा की। देखिए रिपोर्ट। पत्रकार उत्कर्ष समिति ने आज पनवेल में अपनी चौथी वर्षगांठ मनाई। इस कार्यक्रम में जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर सुहास माने, अभिनेत्री अनघा कड़ू, एनसीपी नेता भावना घणेकर, पत्रकार महिला उत्कर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्षा डॉक्टर स्मिता पाटिल खास तौर पर मौजूद थे। इस अवसर पर सूचना और जनसंपर्क मंत्री अदिति तटकरे ने पत्रकार विजय कड़ू को जीवन गौरव पुरस्कार, रोहिणी खाड़िलकर और उमेश गुजराती, प्रफुल्ल पवार, लक्ष्मीकांत घोंसे पाटिल को आदर्श पत्रकारिता पुरस्कार, विवेक मोकल, शशिकला गुंजाल, डॉक्टर मनोज नागर गोजे, डॉक्टर सतीश मांडरे को समाज रत्न पुरस्कार प्रदान किया। वहीं दूसरी सिंधुताई के रूप में मशहूर प्रेरणा गावकर, महिला शाहिर सीमा पाटिल, शास्त्रीय गायिका शिल्पा अठल्ले, शैक्षणिक जागरूकता के लिए मशहूर प्रमिला पवार एवं खिलाड़ी सलोनी मोरे तथा मराठी इंडियन आइडल सागर मात्रे को पंच ज्योति पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। पालक मंत्री अदिति तटकरे ने सबको बधाई देते हुए कहा कि मीडिया कर्मियों ने जिस तरह कोरोना की प्रतिकूल परिस्थितियों में अपनी जिम्मेदारियां निभाई वह सराहनीय है। उन्होंने रायगढ़ में प्रस्तावित राज्य के सबसे बड़े सूचना भवन की जानकारी देते हुए विश्वास जताया कि इससे मीडिया कर्मियों को बेहतर कामकाज करने में मदद मिलेगी। पत्रकार उत्कर्ष समिति ने जो आज का ये प्रोग्राम आयोजित किया उसमें उन्होंने सिर्फ पत्रकारों को नहीं तो समाज हित के लिए जितने भी नागरिक काम करते हैं उनको सम्मानित किया, जो अपनी सामाजिक जिम्मेदारी समझ के अपने प्रोफेशन के बियॉन्ड जो काम करते उनको उन्होंने सम्मानित किया। और मैं पत्रकार उत्कर्ष समिति के बहुत आभार और ऋणी हूँ कि उन्होंने हमें सबको इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया। रायगढ़ जिले की गार्डियन मिनिस्टर इस नाते मेरी शुभकामनाएं और महाराष्ट्र शासन हो, हमारा माहिती व जनसंपर्क विभाग हो, उनकी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं इस समिति। मुझे हमेशा से ही लगा है कि जितने भी शासन की योजनाएं हैं वो माहिती, ये जो हमारा विभाग रहता है उससे पब्लिसिटी तो होती है लेकिन काफ़ी बार पत्रकारों को जो उनकी समिति होती है, संगठनाएं होती है, उनको प्रोग्राम्स जब ऑर्गेनाइज करने होते हैं तो उनको अपने हक की एक इंफ्रास्ट्रक्चर या बिल्डिंग होनी चाहिए एक, और माहिती भवन जो इंफॉर्मेशन हम सेंटर उसे बोलते हैं वो हमेशा से जिलाधिकारी कार्यालय में रहा है, कलेक्टर ऑफिस में रहा है, उससे अगर उनको एक सेपरेट बिल्डिंग हम देंगे तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और उससे ज़्यादा सुविधाएं हम उनको दे पाते। वहाँ पे एक एडवांस वाईफाई रूम हो, सेंटर हो, मीडिया कॉन्फ्रेंसेस लेने के लिए एक सुविधा हो, ये सब हम वहाँ पर देने वाले हैं। और एक डिजिटल लाइब्रेरी भी वहाँ पर हो, ये हमने ये सुझाव रखा है तो वैसा प्रस्ताव हम तैयार कर रहे हैं। और एक सबसे अच्छा माहिती भवन रायगढ़ जिले का होगा, वो सारे जिलों के लिए एक उदाहरण ये निश्चित रूप से रहेगा। और जो इतर जो बाकी के डिविजन्स हैं वो भी ये इससे प्रेरणा लेके अपना माहिती भवन बनाए, ये हमारा शासन का और डिपार्टमेंट का उद्दिष्ट है। वहीं पत्रकार उत्कर्ष समिति का सम्मान पाकर उत्साहित हुई अभिनेत्री अनघा कड़ू और अन्य सत्कार मूर्तियों ने आभार जताते हुए कहा कि ऐसे पुरस्कार और बेहतर कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। इस अवसर पर पत्रकार महिला उत्कर्ष समिति की प्रदेश अध्यक्षा डॉक्टर स्मिता पाटिल ने पालक मंत्री अदिति तटकरे के सहयोग के लिए आभार जताया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि यही हम लोग वेट करते हैं क्योंकि अपना अच्छा काम लोगों तक पहुंचने के बाद ही अपने को मिलता है। आज मुझे ऐसा लगा कि सच में मेरा काम लोगों तक पहुंच रहा है और उत्कृष्ट समिति का मैं बहुत धन्यवाद कहूंगी उनको, क्योंकि मेरे को ही नहीं मेरे जैसे बहुत कलाकारों को उनके सम्मानित किया, पत्रकार हो गए, कलाकार हो गए, सिंगर, एक्टर, सबको सम्मानित किया, उसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। पत्रकार उत्कर्ष समिति और महिला उत्कर्ष समिति का आज ये फोर्थ वर्धापन दिन था और इसमें पालक मंत्री अदिति तटकरे
उपस्थित थे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण आनंद दिवस था और उन्होंने हमारे काम की बहुत अच्छे से सराहना की। थैंक यू सो मच। मला मुझे प्रोग्राम मध्ये योग्य वाटलं सगळ्यांनी काय काय आपले त्यांच्या बद्दलने त्यांना काय काय दिलं त्याने माझ्या सूर्य फॉर्मिंग ज्वेलरीच्या नावाने मी एक सगळ्यांना एक सन्मान चिन्ह दिलं की जेणेकरून एवढे सगळेजण चांगले काम करतात त्यांना एक प्रोत्साहन करून देण्यासाठी मी एक छोटीशी गिफ्ट दिली त्याला त्यांना सहा जणांना मी टोटल गिफ्ट दिलं नथ कुर्ले मराठींची नथ दिली शान म्हणून मराठीमध्ये आम्ही मातृभाषा ही अशी आहे मराठी पण त्याच्यामध्ये आहेत ना नऊवारी पारिपोषक आपण कसं वापरतो ना त्याच्यावरती साजेशी ही नथ आम्ही त्यांना गिफ्ट म्हणून दिली आहे। ब्युरो रिपोर्ट TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।